लोक आस्था के कई रंगों से सजा छठ महापर्व की छटा चारों तरफ बिखरी हुई है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व का त्योहार मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत इस साल 28 अक्टूबर से हो रही है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। नहाए खाए के साथ शुरू होने वाला ये महापर्व उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देने के बाद समाप्त होता है। वैसे तो ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल का है, लेकिन अब क्योंकि इस प्रांत के लोग देश के लगभग हर राज्य में हैं, इसलिए ये पर्व अब सभी जगह मनाया जाने लगा है। छठ पूजा का व्रत करने से व्रतियों के घर में सुख समृद्धि धन वैभव यश की प्राप्ति होती है। छठ महापर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो इस पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का जिक्र किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये पर्व सूर्य प्रकृति जल वायु और छठ माता को समर्पित है। छठी मैया भगवान सूर्य की बहन और माँ पार्वती का अवतार है, जिन्हें मिथिला में रनबे माए कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं छठ मैया कौन सी देवी हैं और छठ महापर्व में सूर्य देव के साथ क्यों पूजा की जाती है। आपको बता दें कि छठ पूजा का पर्व मुख्य रूप से बिहार झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का उल्लेख अब पूरे देश में भी देखने को मिलता है। छठ पूजा की शुरुआत के पहले दिन नहाए खाए से होती है, इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वहीं चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व को समाप्त करने की परंपरा है। छठ पूजा का व्रत करने से परिवार में खुशहाली संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं कौन है छठी मैया। पुराणों के मुताबिक छठी माता का पहला वर्णन सृष्टि के निर्माण से मिलता है, जिसमें देवसेना नाम का एक प्रमुख अंश है। इन सभी देवियों को षष्ठी नाम से जाना जाता है। षष्ठी देवी सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि षष्ठी देवी के आशीर्वाद से महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है, इसलिए किसी बच्चे के जन्म के छठे दिन षष्ठी देवी के पूजन का महत्व है। स्थानीय भाषा में षष्ठी देवी को ही छठी मैया कहा जाता है। पुराणों के मुताबिक हर विशेष तिथि को किसी न किसी देवता की पूजा करने का विधान है। इसी तरह सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा का विधान होता है। माना जाता है कि छठ महापर्व में सूर्य के साथ षष्ठी देवी की पूजा करने से भक्तों को दोगुना फल मिलता है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य के साथ साथ षष्ठी देवी की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।